अच्छे से नहीं लिखा ये। ये सेफ मेडिसिन होती है, प्रेगनेंसी में खा सकते हो, बुखार बुखार हो जाए ना खाना नुकसान है। हाई टेम्परेचर से बेबी का नुकसान हो जाता है, सूख जाता है वो, लूज मोशन में भी सूख जाता है। ठीक है। वॉमिटिंग ज़्यादा आ जाए तो भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, खांसी तो वैसे जोर पड़ता है। ठीक है। तो ये चारों सेफ दवाइयाँ हैं, बिना डॉक्टर से पूछे आप लोग, और मैंने कॉमन नाम लिखे हैं, क्रोसिन पेन रिलीफ भी वही बात है, डोलो भी वही बात है, ORS पाउडर पता है ना सबको, कॉमन नाम लिखे। ये उल्टी की ऑन डेम जीप के नीचे रखो, और ये खांसी की बेनाड्रिल, HB। और एक HB के लिए आपको पता होना चाहिए, HB आपका 12 ग्राम रहना चाहिए हमेशा। ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, गुड मॉर्निंग, अगर नहीं HB बढ़ता अपने डॉक्टर को बार बार बोलो बढ़ ही नहीं रहा, कुछ टेस्ट कराओ, कुछ दवाई चेंज करो, क्यों नहीं बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से इसलिए नहीं बनता कि सैलड नहीं खाते, सैलड खाएं, आंवला बीटरूट खाओ, सब कहाँ बढ़ता है, कोई पेशेंट ही नहीं होता उसका ना बढ़े, रेयर होता है। अगर फिर भी नहीं बढ़े तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। आपका रंग पीला लग रहा है, मैं फर्स्ट विजिट पे ये सब बताती हूँ आपको कि आपने जित ध्यान रखना है, और विटामिन डी लगवा के जाना, ये तो कमी होता है, इसको टेस्ट नहीं कराना, लगा लिया ठीक ही हो जाता है। ये दोनों मीटवेल दे रही हूँ, और एक डॉक्सीनेट आती है, ये रात को खाते हैं, उधर जो लिखी है वो हाथ के हाथ खाने वाली है, ये रात को खाते हैं, सोते वक्त खाओगे आप तो नेक्स्ट डे इसका देर से असर आता है और देर तक रहता है, और जो ऑनडेम है उसका खाते ही आधे घंटे में असर आता है, वो जीप के नीचे रखते हैं वहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये जब जुट पड़े जब ही लेनी है। हाँ, अगर एक दिन वॉमिटिंग आई रात को खा लो, ठीक है, एक दिन तो बॉडी झेल लेती है, और ज़्यादा आ रही है 5-7-10 बार आ रही है तो उसी दिन फिर तो जाओ डॉक्टर के, जाओ, ड्रिप भी लगती है। ठीक। अगर लूज मोशन हो, फीवर हो, ड्रिप लगानी चाहिए, जितना पसीना आएगा निकलेगा उससे पहले लग जाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में पानी पिया नहीं जाता है और आप उल्टी से परेशान हो बस, तो वो बच्चे का नुकसान होते देखा मैंने, फीवर में नुकसान होते देखा। बाकी सब सही है, बढ़िया।